स्वागत है आप सभी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बड़ोदरा विरार सेक्शन का पैकेज 5 का अपडेट देखने वाले हैं, जो कि यह पैकेज पूनगांव से स्टार्ट होता है और कीम इंटरचेंज को कनेक्ट करता है। तो इसके पहले हमने कीम इंटरचेंज से लेके और कोसंबा तक का अपडेट देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम कोसंबा से लेके और हम पूनगांव तक का यानी कि भरूच तक का अपडेट देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वक्त आप सामने देख रहे हैं कोसंबा शहर है, जहाँ का हमने लास्ट अपडेट देखा था। तो यहाँ से हम वापस जाने वाले हैं जो कि भरूच की साइड में। तो इस जगह पर आपको काम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको PQC का काम देखने को मिल पा रहा होगा, जहाँ पर इस वक्त खाली PQC का ही काम कंप्लीट हुआ। उसके साइड में आप देखेंगे तो काफ़ी सारा भी एक काम आपको पेंडिंग देखने को मिल पा रहा होगा। कुछ कुछ हिस्सों पे भी आपको खाली अर्थवर्क का काम देखने को मिलेगा और कुछ कुछ हिस्सों पे आपको पूरा का पूरा DLC का और PQC का काम देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थवर्क का काम दिख रहा है और बीच में रास्ता बनाया हुआ पत्थर वगैरह डाल के, ताकि जो कंपनियों की गाड़ियाँ हैं यहाँ से चल सकें और जो सामान है वो पहुँचा सकें, क्योंकि बारिश के समय बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है तो काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त आप सामने देखेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा PQC का काम देखने को मिल पा रहा होगा और कुछ हिस्सों में आपको DLC का भी काम देखने को मिल रहा है अभी। ये एक्सप्रेसवे पूरा का पूरा 2025 अक्टूबर तक ही ओपन हो पाएगा, क्योंकि अभी आप काम की सिचुएशन देख सकते हैं कि इसमें अभी कितना समय और लग सकता है। और फाइनली इसकी जो पूरे एक्सप्रेसवे की डेडलाइन है वो अक्टूबर 2025 तक की दी हुई है। इस जगह पर अभी काम देख सकते हैं, कुछ कुछ हिस्सों में आपको भी अंडरपास का काम होता हुआ दिख रहा होगा, जहाँ पर अभी इस वक्त काफ़ी सारा काम पेंडिंग है। लुधा विलेज के पास भी अभी आपको काफ़ी कुछ काम पेंडिंग दिख रहा होगा। यहाँ पर थोड़े से हिस्से में एक साइड में आपको DLCD का काम दिख रहा होगा और बीच में आपको PQC का काम दिख रहा होगा। उसके आगे अंडरपास वगैरह बनाए जा रहे हैं, वो भी अभी आपको काफ़ी हिस्से में आपको पेंडिंग दिख रहे होंगे। और ये लुधा विलेज है, इसके सामने आप आगे तक देखेंगे तो आपको सीधा सीधा अर्थवर्क का ही काम देखने को मिल पा रहा होगा और कुछ कुछ हिस्सों में आपको शायद DLC और PQC का काम देखने को मिलेगा। ये जो एक्सप्रेसवे है
रतलाम से लेके और ये वडोदरा तक का हिस्सा भी इसका पेंडिंग है, उसका भी काम जोरों शोरों में किया जा रहा है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं भरूच से लेके और मुंबई तक पूरा का पूरा भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका अभी काम जोरों शोरों में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट नहीं हुआ। जैसे कि हमने कुछ पिछली वीडियो में भी देखा मुंबई का अपडेट कि वहाँ पर अभी कितना कुछ काम पेंडिंग है। ये अडोल ग्राम है, अगर इसके काम की बात की जाए तो इस जगह पर भी आप काम देख सकते हैं कि कितना कुछ काम यहाँ पर देखने को इस वक्त मिल पा रहा है। इस पैकेज का हमने लास्ट अपडेट 2 मई को देखा था, तो आप कंपेरिजन करके देख सकते हैं कि पहले में और में कितना कुछ काम चेंजेस आपको देखने को मिल रहा होगा। इस जगह पर अभी आपको खाली DLC लेयर का काम दिख रहा है और कहीं पर आपको अर्थवर्क का काम होता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर एक छोटा कैनाल है, उसके ऊपर गडर ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक साइड में आपको पिलर का काम दिख रहा होगा, एक साइड में पिलर के ऊपर कैप का भी काम देखने को मिल पा रहा होगा। उसके आगे अर्थवर्क का काम है और हाई टेंशन वायर को भी शिफ्टिंग का काम बाकी है। उसके आगे आपको DLC लेयर का भी काम अच्छा खासा इस वक्त देखने को मिल पा रहा होगा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का लेटेस्ट प्रोग्रेस अपडेट। अभी जब काम देख रहे हैं अर्थवर्क का, इस जगह से पैकेज 5 की शुरुआत होती है। यहाँ पर आपको अभी अर्थवर्क का काम दिख रहा होगा और जल्दी यहाँ पर आपको DLC लेयर का भी कार्य देखने को मिल जाएगा। सामने आप जो काम कंप्लीट देख रहे हैं वो पैकेज 4 है, जो कि इस वक्त वो पूरा का पूरा हिस्सा बन के कम्प्लीट हो चुका है। इसके आगे नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के पास ही भरूच का इंटरचेंज बनाया गया, जहाँ से भरूच और वडोदरा के लिए आप यात्रा कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप सभी के लिए इसी प्रकार से नए नए अपडेट दिखाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं जल्द आपको नए ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।